नागौर जिले के रियाबड़ी क्षेत्र में शादीशुदा युवती को भगा ले जाने के मामले में दूसरे दिन भी बाजार बंद रहा। धरने पर बैठे लोगों ने इसे लव जिहाद से पीड़ित मामला बताया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद की इस घटना से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की संभावना है और वहीं 5 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी और युवती का पता नहीं लगाने से ग्रामीण नाराज दिखाई दिए, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने नागौर डीएम और एसपी को धरना स्थल पर बुलाने की मांग की है। दरअसल 5 दिन पहले एक युवक ने पाटकुला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 21 साल की शादीशुदा बहन को रियाबड़ी निवासी अलारुद्दीन कुरैशी भेला फुसलाकर उठा ले गया और वहीं आक्रोशित लोगों ने चेतावनी दी है कि घटना में लिप्त आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज जो हमारे बीच घटना हुई है, ये दो रियाबड़ी से एक हिंदू बच्ची को एक मुस्लिम द्वारा बेला फुसला करके भगा करके ले गया। उसे पूरा सनातन धर्म जैसे समझे हिंदू समाज उद्वेलित है और हम इस वारदात को कतई सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी और बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ेगा तो हम करेंगे, पर इस प्रकार की जो दूषित घटनाएं जो है उसको अंजाम देने वालों को कानूनी रूप से सजा दिलाने में हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं तुरंत बिना कोई टाइम गंवाए इनके घर पे पहुंचा था, परिवादी के बातचीत की थी। मुकदमा हालांकि बाद में दर्ज हुआ था, लेकिन बातचीत से जो चीज़ें मेरे सामने आई और हमने जो इन्वेस्टिगेट किया उसके अनुसार 5-4 नंबर भी हमें मिले थे। लोकेशन के आधार पे मैंने 5 टीमें बिना कोई टाइम गंवाए उसी टाइम इस लड़की को पहुंचने के लिए रवाना कर दी और काफ़ी डिस्टेंस पे गए हैं जो मैं इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से वो जगह बताना नहीं चाह रहा हूँ ओपन। वहाँ मेरी टीम पहुंच भी गई थी रात को, लेकिन थोड़ी सी कोई सूचना यहाँ से गाँव से ही ली गई थी, उस वजह से वो थोड़े खिसक गए। अति शीघ्र हम दस्तयाब कर लेंगे, लड़की को भी ले आएंगे और लड़के को। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे एवं संवाददाता नागौर से जुड़ चुके हैं संदीप जी। संदीप बताएं क्या है पूरा मामला और इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? जी हां, हर्षिता मैं बताना चाहूंगा, मेहरता विधानसभा क्षेत्र का दूसरा उपखंड मुख्यालय है रियाबड़ी। इस रियाबड़ी मुख्यालय में विवाहिता को भगा कर ले जाने का मामला है जो 7 जून को हुआ था। उसके पश्चात पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों में वार्ताओं का दौर चला। ग्रामीणों का एक ही मांग है कि आरोपियों को पकड़ा जाए जी। और इसको लेके कल अचानक ग्रामीण आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए। कल रियाबड़ी कस्बा बंद रहा, आज भी रियाबड़ी कस्बा बंद है। डिप्टी नंदलाल सैनी, एसडीएम गौरीशंकर शर्मा सहित 5 थानों का जाप्ता मौके पर तैनात है। वहीं आरएसपी बटालियन भी चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि किसी प्रकार की कोई अंदेशा ना हो किसी प्रकार की घटना दुर्घटना का। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।